अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान हबीबुल्ला आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही पुरसरार लोकेशन पे आया हूँ, ये काफ़ी दूर भी है, तो उधर आए हैं हम, ये रास्ता है तो आगे थोड़ी सी जाके लोकेशन आती है। पहले इधर रैश थी, अब इधर कोई भी नहीं रहता, तो लोगों ने बताया है इधर आने जाने वालों ने कि इधर बहुत परेशानी होती है, तो हम इधर आए हैं चेक करने के लिए। तो जो एक्टिविटी होगी आपको भी दिखाएंगे। ये दोस्तों काफ़ी पुराने मकान हैं इधर, तो अब तो रहायश नहीं है, पहले रहायश थी, इधर जैसे लोग रहते हैं वैसे रहायश थी, काफ़ी उनके बच्चे वगैरह भी थे और फैमिली पूरी रहती थी इधर। पहले तैयब भाई भी आए थे इधर, उन्होंने बताया मुझे कि इधर एक्टिविटी है और दीवारों के ऊपर कुछ नाम वगैरह भी लिखे गए थे, तो तैयब भाई भी साथ ही हैं मेरे, क्योंकि अब हम आप लोगों को पता ही है दोनों साथ ही जाते हैं, उनकी भी वीडियो बनानी होती है तो साथ ही आते जाते हैं, वो भी साथ ही हैं अब मेरे, तो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं अब क्या, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिनों बाद आए हैं इधर दोबारा। पहले तैयब भाई आए थे तो अब हम दोनों आए हैं इधर, आ जाएं तैयब भाई, चलते हैं आगे। चले चले। ये पेड़ वगैरह काट के रखे हैं उन्होंने, बिल्कुल ये काफी दिन से यहाँ पे पड़े हैं, मैंने पहले जब आया था ये भी, ये देखिए पेड़ ही पेड़ है, ये पेड़ काटे हैं उन्होंने। ये ऐसे समझ लें कि जैसे जंगल ही है, क्योंकि इधर अब रहायश नहीं है, पहले रहायश थी, काफ़ी अरसा हो गया इधर से वो चले गए हैं, क्योंकि उनका नुकसान हुआ था तो इसलिए वो चले गए हैं इधर से। अकेला घर जहाँ भी होता है वहाँ उनको नुकसान ही होता है, तो इसलिए वो छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानी में थे, क्योंकि यहाँ पे ना घर के बाहर दो बनाए गए हैं गंदम जमा करने के लिए, जिसको सामने कहते हैं, हाँ तो, गल्ले गल्ला भी कहते हैं, गल्ला भी कहते हैं अक्सर पंजाबी जुबान में उसे भड़ोला हाँ। कहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आप विजिट करें और चेक भी करें यहाँ पे वाकई में कुछ है। ये है मकान यहाँ पे, ये आप देख, जब पहले मैं यहाँ पे आया था ना, मेरे साथ अजीब से वाकयात यहाँ पे रोनमा हुए थे। सही। क्योंकि यहाँ पे एक कमरे के अंदर मैं गया तो अचानक सी आग लग गई अंदर की जाए, तो वहाँ भी चल के देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी कोई चीज़ कोई असरात मौजूद है। सही। और ये साथ में एक पेड़ है, ये भी काफ़ी पूरी सरार सा है, ये वाला पेड़। जी बिल्कुल, वैसे ही पेड़ लग रहा है खतरनाक सा। तब तो ये ऐसे हिल रहा था जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया। ये क्या हो रहा है दोस्तों? आप इंशाल्लाह मैं इधर दिन के टाइम भी आऊँगा, दिन के टाइम भी ये आप लोगों को ये लोकेशन दिखाऊँगा। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वाकई दीवार के ऊपर वही अभी भी मौजूद है या फिर जो नाम लिखा गया था। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था।
सामने दीवार थी, वो सामने वाली, वो सामने। हाँ दोस्तों, इधर सामने वाली दीवार पे तैयब भाई कह रहे हैं कि कुछ नाम लिखा गया था। हाँ, वाकई वो अभी भी मौजूद है, काफी दिन के बाद, तकरीबन एक माह से ऊपर शायद, इतना तो हो ही गया ये वाला। हाँ ये तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये तैयब भाई कह रहे हैं जब मैं पहले आया था इधर इस लोकेशन पे, तो ये नाम पता नहीं क्या ये लिखा गया था, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। और साथ में ये भी निशानी मैं आपको वो एक और दिखा दूं, तो ये ये देख, ये एक निशानी तब दी गई थी, अभी भी यहाँ पे वही निशानियाँ, वही साइन जो मौजूद हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जब तैयब भाई पहले इधर आए थे तो काफी दिन हो गए हैं वो कह रहे हैं, तो उस वक्त इधर ये नाम भी लिखा गया था ये वाला, ये आप पता नहीं क्या है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। तो ये भी निशान दिया गया था, ये देखें, ये भी वैसे ही है अब, और ये नाम भी वैसे ही खड़ा है, काफी दिनों बाद मैं आया हूँ तो इधर वैसे ही है ये भाई। यहाँ पे अभी भी कोई चीज मौजूद है, ऊपर से ईंट गिरी है, इसके ऊपर गार्डर के ऊपर ईंट पड़ी थी वो गिरी है। इधर ऊपर पड़ी थी जब हम अंदर एंटर हुए हैं, तो ये देखें आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये दीवार के अंदर, ये देखें ये पौधा है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो ये दीवार के हाँ, अंदर उग गया है, ये देखें, ये तावीजात भी अंदर पड़े थे तब भी, अब ये देख बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ चुकी है, ये तावीज अभी भी पड़ा है यहाँ पे। ये ले दोस्तों, ये देखें ये तावीज पड़ा है, ये तैयब भाई या पहले आए थे उस वक्त भी इधर था ये तावीज। अपने होने का काफी अरसा, काफी अरसा हो गया वो मकान भी देखने को मिली है, मकान छोड़ के चले गए हैं, तो ये देखें खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना अरसा हो गया, ये टूट भी चुका है पूरा मकान, छत भी गिर गई है इसकी और एक साइड वाली दीवार भी गिर गई है जी बिल्कुल। अभी ये कोई चीज जैसे बाहर को गई है। तो भाई बाहर तो कुछ भी नहीं है, इधर देख ले, इधर लाइट, इधर लाइट क्या हो, इसके अंदर क्या चीज पड़ी, ये क्या चीज है, कपड़ा वगैरह क्या, छूना ना क्योंकि कोई नुकसान ना कर दे वो चीज, ठीक है, पता नहीं क्या है, हो सकता है कोई यहाँ पे भी तावीज पड़ा हो कोई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रेड कपड़ा है लाल सुरख रंग का, इसके अंदर भी तावीज वगैरह रखती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप, बिल्कुल अंदर देख, अंदर देख, अंदर अंदर से पास है ये भाई, यहाँ पे जब पहले मैं आया था ना मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हाथ का भी निशान था जो मौजूद नहीं है। ये किसी ने लकड़ियां वगैरह काट के रखी है इधर, इधर दूसरी जाने देखते हैं, आ जाते ये भाई।
मैं जब अकेला आया था तब की बात और थी, यहाँ पे आग भी जली थी, शायद वो आपने दिखाया नहीं है पीछे आग। हाँ आग वाला सीन तो दिखाना था जहाँ पे लगी थी आग, इधर वो दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके इर्द गिर्द ये फसल है और इसका आप खुद ही अंदाजा लगा लें। इधर भी मकान था, ये यहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी मकान था और ये पेड़ पता नहीं किस चीज का। जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ आग वाली। हाँ तो अभी भाई इधर आप ये देख, अच्छा ये जो हिस्सा था ना, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ पे आग पहले लगी, बाद में जब इसके ऊपर, इसके ऊपर सही यहाँ पे, और बाद में वो उस तरफ था। मैं इधर का इधर क्या हुआ, एक्टिविटी मौजूद जरूर है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ है तो एक्टिविटी हो रही ना। अस्तगफिरुल्लाह, ये भाई ये क्या है? मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस पेड़ का पेड़ पे ही है। नहीं 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 नहीं, ये क्या चीज है, ऊपर से आई कुछ चीज। अंदर से आवाज आई है, किधर आ, इधर क्या है, अंदर से आवाज आई है अभी अभी, और मेन बात अंदर से आवाज भी आ रही है। ये क्या हो रहा है यार, अस्तगफिरुल्लाह। अभी हमें थोड़ी देर हुई है इधर आए हुए, तो एक्टिविटी ऐसा ऐसा बढ़ रही है जैसे जैसे हम खड़े हुए हैं, ये टाइम गुजरता जा रहा है। ये आग का निशान यहाँ पे मौजूद अच्छा, है, इधर आग जली थी, यहाँ पे आग लगी थी। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये इधर आग जली थी, ये दो तीन, अस्तगफिरुल्लाह ये क्यों ध्यान से जरा, क्योंकि इन चीजों पर भरोसा नहीं होता, किसी भी वक्त ये कुछ भी कर देती है यार। ये नहीं समझ आ रही, बाहर के चल के चेक करेंगे यार। एक मिनट तो, ये भाई इधर से कुछ चीज, इधर कोई है, कोई भी नहीं है, नहीं इधर से अंदर भी कोई नहीं है, इधर से किसी ने जैसे फेंकी है कुछ चीज, या ये क्या हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौन है ये, आप देख सकते हैं दोस्तों इधर कोई भी नहीं है खड़ा है। जैसे ये देखें, मैं आप जैसे मैं आगे जाने की कोशिश की, मैंने तो हिलना बंद हो गया दरवाज़ा, बिल्कुल ये देखें कोई चीज़ नहीं थी इधर, कुछ भी नहीं अभी था भी ये देख ये हिल रहा। हाँ ये देखें बाहर से इसका व्यू दे, मैं तो कहता हूँ ये लोकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इधर इस पेड़ की तरफ ये देखें दोस्तों, ये देख, ये अभी तक हिल रहा है जैसे कोई इधर से उतरा है या इसके ऊपर, वो क्या चीज़ है, परिंदा कोई, या परिंदा ही होगा मेरे हिसाब से। भी पीछे आ जाए यहाँ पे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर।
दोस्तों इधर कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लग गई है। अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो आप खुद सोचें जो इधर रहते थे उनके साथ क्या होता। उन्होंने तो घर छोड़ के जाना ही था। ऐसे किसी के घर में भी कोई परेशानी हो, वो अकेले रहते हों, तो उन पे क्या गुजरती होगी रात के टाइम। आसपास कुछ भी ना नहीं होता। चले यहाँ से, ऐसा ना हो कि कहीं और चोट ना खा ले। चले ठीक है, चलना चाहिए। ये कहाँ से आ गया यार। अस्तगफरुल्लाह, ये देखे दोस्तों, किसी चीज़ ने ये ऊपर से जैसे फेंका है। अस्तगफरुल्लाह, अस्तगफरुल्लाह। भी यहाँ से चलते हैं अब, है ना। अब तो चलता ही नहीं बनता है हमारा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।